हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3। 4.2 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे 4.3। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ड्रो द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको, और उसको हमें किस पे ड्रॉ करना है कि लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स के ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। हमें इसके सॉल्यूशन खुद से फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हमारे पास क्या हो जाएगा 0, y इज इक्वल टू क्या आएगा 4। इसी तरह से फिर हम x की वैल्यू अगर यहाँ 1 रख देंगे तो 1 को उधर लेके जाएंगे, 4 माइनस 1 3, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या आएंगे, 0 और 4 एंड 1 और 3। इसी तरह से हम सेकंड में निकाल लेंगे, सेकंड में क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स हमने 0 रख दिया तो वाई क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस को उधर लेके जाएंगे, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। इसी तरह से x इज इक्वल टू 1, फिर अगर हम x को 1 पुट कर देंगे तो इधर से 1 जाएगा, 2 माइनस 1 1, माइनस को इधर लेके जाएंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे, 0 माइनस 2 1 माइनस 1। थर्ड है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू हमने पुट की 0, अगर यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 और 0 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 0। फिर x की वैल्यू हमने पुट की 1, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे 3 बन जा 3, तो y की वैल्यू क्या होगी 3। पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 0 0 एंड 1 3। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y, x की वैल्यू हमने पुट की 0, ये पूरा का पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या बचेगा 3, y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमने 1 पुट की, 2 बन जा 2, 2 को इधर लेके आएंगे, 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 3 एंड 1 1। अब इन सभी पॉइंट्स को हम एक कार्टेशियन प्लेन पे या टू वेरिएबल्स के प्लेन पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव इधर एक्स नेगेटिव, 1 2 3 सेम डिस्टेंस पे रखेंगे पॉइंट्स, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, उससे पॉइंट क्या क्या है, 0 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, ये हमारे पास क्या आ गया पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0 है एंड वाई की वैल्यू 4, ये आ गया हमारे पास पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1, ये आ गई आपके पास 1, और वाई की वैल्यू 3, ये आपके पास क्या आ गई, वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमने कैसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए आ गया। इसी तरह सेकंड है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सेकंड है हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 1 हमारे पास यहाँ है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 1 इधर नीचे की साइड आएंगे, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हमने क्या नाम दे दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। थर्ड हमारे पास है 0 0, इट मीन्स हमारे पास ओरिजिन आ गया 0 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 इधर आ जाएगी, y की वैल्यू 3 ये आ जाएगी। तो इन दोनों को मिलाने के लिए हमने ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया 3y इज इक्वल टू 3x इक्वेशन। फोर्थ है 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x 0 है एंड y की वैल्यू 3, ये इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये हमारे पास ये आ जाएगा। इन पॉइंट्स को दोनों को मिलाने के लिए लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है टू लाइंस की, थ्रू 2 14, जिसके पासिंग पॉइंट्स है 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, यहाँ से हम ऐसे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड वाई और क्यों। देखो
लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, के हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर ले लिया कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 + 14 16 आएगा। इट मीन्स हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, 16। अब हम एक्स और वाई की ऐसी क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 16 आ जाए, क्योंकि पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या है कि एक्स की वैल्यू वहाँ से 2 होगी और वाई की वैल्यू 14 होगी। अब 2x + 3y इज इक्वल टू के डैश बी अनदर लाइन। एक तो हमारे पास ये लाइन थी, दूसरी हमने कैसे लाइन ड्रॉ कर ली कि जिसके पॉइंट 2 और 14 होंगे। 2x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी प्लस 3 एज इट इज़, वाई की वैल्यू 14 इज इक्वल टू के डैश, 2 × 2 = 4 + 14 = 42, के डैश हमारे पास क्या है 46। तो हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 46 पासिंग थ्रू, ये जो लाइन है किससे पास होगी, 2 और 14 से। इसी तरह से देर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स एज थ्रू ए पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ। इसी तरह से हम कितनी भी कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इसके जगह हम इक्वेशन और भी कुछ ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ पे 2x लिख सकते हैं, 2x 2 × 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या रख देंगे फिर के डबल डैश। 2x की वैल्यू में क्या पुट करनी है, 2 + y की वैल्यू 14 इज इक्वल टू के डबल डैश, 2 × 2 = 4, 4 + 14 इज इक्वल टू के डबल डैश, तो के डबल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18। उसके लिए भी हम क्या बोल देंगे कि इन्हीं पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है 2 और 14 से। तो इसी तरह से हम कि बहुत सारी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द पॉइंट्स 3, 4, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, जो एक ग्राफ पे लाई करता है इस इक्वेशन पे 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 इस इक्वेशन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करें। अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 एंड वाई की वैल्यू क्या होगी 4, वैल्यू अप्लाई कर देंगे 3, 4 लाई ऑन, ये इसमें लाई करता है, देयर फॉर सब्सटीट्यूट 3, 4 एक्स एंड 4, 4 वाई, एक्स के लिए हम 3 कर देंगे और वाई के लिए 4 पुट करेंगे। 3 × x था, एक्स की जगह हमने क्या, सॉरी वाई है, वाई की जगह हमने क्या पुट किया 4, 3, 4 = 12 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स की जगह हमने 3 पुट कर दिया प्लस 7 इज इक्वल टू 3a + 7, 7 प्लस है 3a को इधर रख लिया है, 12 इसको उधर लेके जाएंगे माइनस एंड 12 में से 7 जाएगा 5, 3 को इधर लेके आए डिवाइड में आएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3, तो हमारे पास क्या आएगा a की वैल्यू 5/3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, किसी भी सिटी के अंदर टैक्सी फेयर जो किराए की टैक्सी होती है उनके फेयर का क्या है रूल, वो दे रखा है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, अगर 1 किलोमीटर के लिए हमें जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर सिर्फ फर्स्ट क्या बोल दिए, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर फॉर फर्स्ट जो हम सबसे पहले 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे उसके लिए हमारे पास कितना है ₹8, एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर के से आगे हम जितनी भी डिस्टेंस कवर करेंगे हर किलोमीटर पे 5 ₹5 होता जाएगा हमारे पास पर किलोमीटर, ठीक है। अगर उसके बाद हमने 2 किलोमीटर और भी डिस्टेंस कवर किया है तो 5 × 5 = 10, और 8 हमारे पास फर्स्ट का है, 10 + 8 = 18, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे हम। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है एक्स किलोमीटर, एंड टोटल फेयर कितना है वाई, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन ड्रॉ द ग्राफ। अब देखो टोटल फेयर हमारे पास कितना है वाई, और फेयर हमारे हम कैसे निकालेंगे कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए कितना है ₹8, तो जो फर्स्ट किलोमीटर था उसके लिए तो हमारे पास कितने रुपये हो गए ₹8। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की है एक्स किलोमीटर, तो एक्स किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का तो हमारे पास हो चुका है फेयर, अब कितने किलोमीटर बाकी बचे x - 1, और उनके लिए हर बार कितना होगा हमारे पास है ₹5, तो इसके लिए वेयर एक्स इज इन किलोमीटर एंड वाई इन रुपीज़, एक्स हमारे पास किलोमीटर है और वाई क्या है रुपीज़, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 8 + 5x - 5, 5 को बाहर लिया 5x - 1 + 8, वाई इज इक्वल टू 5 को अंदर लेके आए 5x - 5 + 8,
इज इक्वल टू 5x माइनस y, इस y को इधर लेके आएंगे हम, माइनस आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, x की वैल्यू हमने 1 पुट की, 1 पुट करेंगे तो x ये क्या आ जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस y प्लस 3। अगर 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस वाई, 5 1 5 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आई आपके पास 8। इसी तरह एक्स की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 13। हमारे पास पॉइंट्स आ गए 1 8 एंड 2 13। अब हम ग्राफ बना के उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे और करके लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। आपको इसके लिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और उस ग्राफ में से हमें शो करके दिखाना है कि किन किन पॉइंट्स पे लाई करती है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं उन ग्राफ्स में से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। पॉइंट क्या क्या आएंगे हमारे पास, 0 0 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को। अब इनमें से देखते हैं, इन चार इक्वेशंस में से हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स को कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते तो y की वैल्यू 0 आ गई, फर्स्ट पॉइंट को कर गई ये सेटिस्फाई। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, माइनस 1, बट यहाँ पे तो क्या है 1 है, तो ये नहीं करती, इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन कैंसिल। फिर सेकंड पे पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y भी क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू मैंने पुट की माइनस 1, एक्स की वैल्यू माइनस 1 हो गई, माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो 1 को उधर लेके जाएंगे, y की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1, ये भी कर गया। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इसके अंदर वेरीफाई करके दिखाया, दिस कैन बी वेरीफाइड बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस इन x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम इसको करके दिखाएंगे कि ये पॉइंट्स दिए हुए, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशंस के अंदर हम ये पॉइंट पुट करके देखेंगे, जो भी इक्वेशन इन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी वही हमारे पास उस फिगर की इक्वेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन, ये आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट से रीड कर लेना। उसके अंदर हमारे पास y क्या दिया हुआ है, वर्क डन, जितना भी काम किया, y हमारे पास क्या है वर्क डन, जितना काम कंप्लीट हुआ। f हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स आपको कितनी दी हुई है 5, कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई है। x हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, जब हमने उस पर फोर्स लगाई तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, x हमारे पास क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वर्क इज इक्वल टू, वर्क हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स, कि कितनी डिस्टेंस कवर की जब हमने उस पर कितनी फोर्स लगाई तो उसको हम क्या बोल देंगे वर्क। तो इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, वर्क हमारे पास कितना है वाई, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 5 है, मल्टीप्लाई फोर्स, फोर्स हमने कितनी लगाई थी एक्स, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5x, फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, 3 पुट करेंगे 15, ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। लेट a हमारे पास रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल टू 2 द एक्सेस, फ्रॉम a ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस मीटिंग द ग्राफ ऑफ द। अब हम इसको ड्रॉ करके निकाल देंगे कि हमारे पास कितना है, 2 यूनिट्स दे रखा है, अगर 2 यूनिट्स दे रखा है तो हम क्या निकाल देंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 2 जहाँ 10 आ जाएगा हमारे पास, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10 यूनिट्स आ जाएगा, जिसके अंदर वैल्यू पुट करके आपने दिखा दिया द ऑर्डिनेट ऑफ c इज 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगी आपके पास 10। दूसरी हमारे पास क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 0 के लिए, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी क्या आ जाएगा 0, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ के ऊपर ऐसे ड्रॉ करके दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है
कोई भी दो बच्चे हैं हमारे पास, कोई भी दो लड़कियां हैं, और दोनों मिलके क्या करती हैं, किसी भी कोई हमारे पास से भूकंप वगैरह आ जाता है तो उसमें जो भी त्रासदी होती है उसके लिए डोनेट कर रही हैं। और उन्होंने दोनों ने मिलके कितने रुपए डोनेट किए, 100 रुपीज़ डोनेट किए। अगर दोनों ने मिलके 100 रुपीज़ डोनेट किए तो उसके लिए हमें नहीं पता कि किसने कितने दिए। उसके लिए हमने एक इक्वेशन बना दी कि मान लिया एक ने एक्स दिए एक ने वाई दिए और दोनों का टोटल कितना है 100, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इज द लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई द डाटा, जो इस डाटा को सेटिस करेगी। एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट कर लिया, मान लिया एक ने 0 दिए एक भी नहीं दिया, तो वाई के कितने हो गए 100, दूसरे ने कितने दिए 100। मान लिया फर्स्ट ने 10 रुपीज़ दिए तो सेकंड के कितने हो जाएंगे 90, अगर फर्स्ट ने 20 दिए तो सेकंड के कितने आ जाएंगे 80। अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स को ऐसे ही ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 के लिए इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फर्नीहाइट में टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है हमें। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेंगे कि फोर सी इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास सी, सी मीन्स हमारे पास क्या होता है सेल्सियस, अगर हमारे पास सेल्सियस 0 है देन एफ की वैल्यू क्या होगी, सी अगर हमने ये 0 पुट कर दिया पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। उसी उसके बाद हमने क्या लिया कि सी इज इक्वल टू 5, अगर सी की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे 5 से 5 कैंसल, 32 प्लस 9 कितना आ जाएगा 41। फिर हमने सी की वैल्यू ली 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 18 प्लस 20 32 50। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स को हम इस पे ग्राफ पे ऐसे ड्रॉ करके दिखा देंगे कि हमारे पास 0 है तब क्या है, ये तीनों को ड्रॉ करके और इसके ऊपर कवर करेंगे। सेकंड है 430 डिग्री सेल्सियस, 430 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, एफ इज इक्वल टू 9/5, सी की वैल्यू 30 पुट कर देंगे, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32 की फर्नीहाइट कितना आ जाएगा 86। थर्ड है हमारे पास 4, एफ इज इक्वल टू फर्नीहाइट दिया हुआ है 95, देन तब हमें सेल्सियस फाइंड करना है कि कितने सेल्सियस हैं, एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी 95 इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, 9/c को इधर रखेंगे 32 को उधर ले आए 95 माइनस 32, इसको एज इट इज रख लिया, इसमें से माइनस कर देंगे 63 आएगा। अब 9/5 को इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा 5/9, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फोर्थ, फोर सी इज इक्वल टू 0, जब आपको सेल्सियस 0 दे रखा है तो सी इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे निकाल लेंगे, एफ इज इक्वल टू 9/5 0 प्लस 32, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 फर्नीहाइट है। फोर एफ इज इक्वल टू 0, जब एफ 0 दिया हुआ है तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, 32 को उधर लेके जाएंगे माइनस 32 होगा, ये इधर मल्टीप्लाई है उधर लेके जाएंगे चेंज हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 162/9, इसको हम क्या लिख देंगे माइनस 162/9 कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है 17.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें ये बोल रखा है कि अब फर्नीहाइट और सेल्सियस की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे दोनों की सेम रहती है, उसके लिए हम क्या करेंगे दोनों को सेम लेके चल रहे हैं कि फर्नीहाइट इज इक्वल टू एक्स एंड सेल्सियस इज इक्वल टू एक्स। अब उस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो एक्स है क्या, एक्स एज इट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस की जगह भी एक्स प्लस 32, एक्स माइनस 9/5 को इधर लेके आई माइनस में आ जाएगा 9/5 इज इक्वल टू 32। ये हमारे पास दोनों में से x कॉमन ले लिया, अब अंदर एलसीएम ले लिया 5 आ जाएगा, 5 माइनस 9 एक्स इज इक्वल टू 32, 5 माइनस 9 कितना आएगा माइनस 4/5, इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे माइनस 4 5/4, 4 8 जा 30, 8 5 जा 40, एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 40, उस एक्स की वैल्यू मीन्स माइनस 40 डिग्री पे सेल्सियस एंड फर्नीहाइट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। ओके थैंक यू।